अब खबरें विस्तार से। देश में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया। बजट को लेकर राजनीतिक सियासत का माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से केंद्रीय बजट को निराशाजनक कहा जा रहा है। पेश हुए आम बजट में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने जीडीपी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अमृतकाल में देश में कथित ऐतिहासिक विकास का दावा असत्य है। यूपीए के कार्यकाल में जीडीपी एनडीए की तुलना में अधिक रही है। 2019 से 2022 के बीच कोविड-19 आया था। उसी तरह 2006 से 2008 के बीच वैश्विक मंदी भी आई थी। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ा था। पीएम भूपेश ने हर साल के जीडीपी आंकड़े ट्वीट किए हैं। जीडीपी को लेकर आपने ट्वीट किया है यार। सीधी बात है, यूपी एक समय में 8% से अधिक रहा और अभी 6.5% को अमृतकाल कर रहे हैं। जबकि यदि भुखमरी की इंडेक्स देखेंगे तो आखिरी पायदान में है दुनिया के। बांग्लादेश का जो रुपया है हमसे ज़्यादा मजबूत है। गरीबी है, बेरोजगारी है और इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। बजट में एक बात उन्होंने कही कि जो लघु धान्य है उसको श्री धान का उन्होंने नाम जरूर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में उपजने वाले जो कोदो कुटकी है उसको समर्थन मूल्य घोषित नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है। यदि मिलेट्स कैफे है तो छत्तीसगढ़ में, मिलेट्स का प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है तो छत्तीसगढ़ में। हमारी तैयारी 2 साल पहले से थी जिसको आज ये कर रहे हैं। गोधन में भी बायोगैस प्लांट लगेगा तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए? हमारा शुरू हो चुका, हम तो बिजली उत्पादन करके दिखा दिए थे। 2 अक्टूबर जो डोंगा घाट है वहाँ शुरू भी कर दिए, पेंट भी बना रहे हैं। तो हम तो गोबर के दिशा में देश में सबसे आगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी अब गोवर्धन का गुणगान बजट में कर रहे हैं और ये राजकीय चिन्ह बनाने की बात कर रहे हैं, वो बताएं किस प्रकार के चिन्ह बनाएंगे।